अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। मर दुआ कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक मम्मी। मैं मोहम्मद। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी टैलेंट। तो आज भाई साहब पाकिस्तानी टैलेंट का रोस्ट होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। कौन करते हैं 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है खुशबाश होंगे। और ये वीडियो किसी का दिल दुखाने और सर दुखाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, मगर दिमाग चाटने के लिए जरूर है, जो कि हम पाकिस्तानियों में लगता नहीं है। इसलिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। भाई हम पाक साफ साफ सुथरे लोग हैं, उनके तो 50 करोड़ लोगों के पास तो लैटरिन नहीं है। हमारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से बहुत ऊपर है, और पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत है। इंशाल्लाह एक ना एक दिन ये भी चांद पे अपना कदम रखेगा। भाई पाकिस्तानियों के पास इतना टैलेंट है कि उनका टैलेंट किसी के पास है ही नहीं। हमारी कौम इतनी मशहूर हो चुकी है कि जहाँ भी जाती है खुद फेमस लोगों के साथ सेल्फियां बनवाते हैं। बल्कि हमारे पाकिस्तानियों के पास इतना टैलेंट है कि इनके पाँव जमीन पे टिकते ही नहीं है, और ऐसे लोग तो पूरे एशिया में पाए ही नहीं जाते जैसे हमारे मुल्क में है। ये तो धोती खोल रहा है। अच्छा मुझे समझ नहीं आ रही कि इस लट्टू बाबा का कौन सा टैलेंट है। ये टैलेंट है कि सरासर बेगैरती है। लानत हो तुम्हारी शक्ल, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और फिर समझ नहीं आती कि ये हमारे लोग कैसे कह देते हैं कि हम बहुत टैलेंटेड हैं। इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान भी रखेगा। बड़े अच्छे साइंसदान हैं यहाँ पे, बड़े अच्छे क्रिएटिव हैं, बड़ा अच्छा माइंड रखने वाले लोग हैं। इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे, एक ना एक दिन करेंगे। इस पे वर्किंग हो रही है, जैसे पाकिस्तान मिसाइल से निकलेगा और फौरन ये तरक्की की दौड़ में सबसे आगे होगा। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा जी, 76 सालों से दौड़ खत्म ही नहीं अभी तक हो रही। इन लोगों को ये नहीं पता कि दौड़ घोड़ों की होती है, गधों की नहीं। और इस दौड़ में देखा जाए तो 2 मुल्क एक साथ आजाद हुए थे, एक चांद पे चढ़ गया और दूसरा अपनी आवाम पे। और हम पाकिस्तानियों में इतना टैलेंट है कि हमें शर्म भी नहीं आती, क्योंकि शर्म जो है ना वो हमसे ही शर्मा जाती है। अब इस वीडियो में देख लें कि ये कौन सा टैलेंट है। नहीं तो बंदा पूछे अमरूद चोरी करना कौन सा टैलेंट है, ये टैलेंट नहीं है, बेहूदा मजाक है। तो मैं ऐसे टैलेंट पे करती हूँ। और ऐसा टैलेंट होने के बावजूद भी हमारे पाकिस्तानी कहते हैं वो तो कुत्तों से शादी कर लेते हैं, दरख्तों से शादी कर लेते हैं, वो तो पानियों से शादी कर लेते हैं, आप हमारी कौन का उनसे ना मैटर करते हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। अच्छा तो तूने उनको रिश्ता देना जो इतना भड़क रहे हो। अगर वो कौम अलग थी तो उन जैसा बनने की कोशिश क्यों की? अगर वो कुत्तों से शादी करती है, दरख्तों से शादी करते हैं, तो पाकिस्तान में हम जिंस परस्ती का कानून क्यों नाफिज हुआ था? तब तुम लोग किधर थे जब मर्द और मर्द एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं? और इससे शर्म वाली बात क्या हो सकती है कि जब पाकिस्तान में जिंस तब्दील करने का कानून पेश किया गया था कि लड़का अपनी मर्जी से लड़की और लड़की अपनी मर्जी से लड़का बन सकता है। भाई चाइना ने क्यों नहीं हेल्प की, हेल्प आउट किया पाकिस्तान को इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐड होने के लिए? भाई चाइना ने इसलिए हेल्प नहीं किया क्योंकि हम इकोनॉमी लिहाज से बहुत मजबूत हैं। अगर हम वीक होते तो भाई वो हमारा बेहतरीन दोस्त है, वो हमारी जरूर हेल्प करता। हम वीक नहीं है तो भाई असल में इस तरह के नौजवान तब ऐसी बातें करते हैं जब वो नौकरी ना मिलने के सताए होते हैं या वो गैरत के सताए होते हैं। इसलिए हमारी इज्जत इसी में है कि हम ये बोल दें कि हमारी इकोनॉमी अच्छी है। हम वीक नहीं है तो भाई क्यों हेल्प करेगा, आप बताए मुझे। रुको जरा, सब्र करो। सर आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं या आप सीरियस हैं? मुझे ये बता दें उसके बाद फिर मैं टॉक करूं। भाई दुनिया चाहे चांद पर चली जाए हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम उम्मीद नहीं छोड़ते। इस बात से अंदाजा लगा लें कि भुट्टो के दौर में ये नारा चला था जिए भुट्टो, और आज भी वही नारा चल रहा है जिए भुट्टो। इसलिए हमारा मुल्क जहाँ था वहीं खड़ा हुआ है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम बहुत मजबूत हैं, हमें कोई हिला नहीं सकता और हम अपनी बात पे कायम रहते हैं। सरकारी ने चोरी शुरू कर दी, हुकूमत उसकी चोरी की वजह से निकाली गई।
पाकिस्तानी का खोपड़ी तोड़। तब भी चोर थे और आज भी यही बातें हो रही हैं। चोर डाकू। इसीलिए तो हमसे दुनिया जलती है क्योंकि हम अपनी बात में कायम रहते हैं। और क्यों ना दुनिया जले, हमारी टेक्नोलॉजी ही बहुत आगे है। क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए एक तेज तरीन दिमाग का चाहिए, आम बंदे की बस की बात नहीं है। प्याज और गार्लिक यानी जो गार्लिक है, कहना क्या चाह रहे हैं भैया? भाई इनका मतलब ये था कि इनको इंग्लिश बहुत आती है, इनको ये नहीं पता था कि गार्लिक को उर्दू में लहसुन कहते हैं या अदरक कहते हैं। और फिर हमारे पाकिस्तानी बात करते हैं चांद पे जाने की। अरे पाकिस्तान अपनी मिसाल आप हैं, एक रुपए में मिनरल वाटर भी तैयार कर लेते हैं। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि उनकी वजारत ने 1 रुपए लीटर में सस्ता और मयारी मिनरल वाटर तैयार कर लिया। क्या बात? अरे भाई सस्ता काम करना तो हमारे दाएं हाथ का खेल है, कोई महंगा काम करके तो दिखाए। योम आज़ादी पर लिबर्टी चौक में 40 करोड़ रुपए की लागत से झंडा लगाने के खिलाफ दरख्वास्त, लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान पंजाब हुकूमत से 4 अगस्त को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। पाकिस्तानियों का दिमाग इतना तेज है, टेक्नोलॉजी तो बहुत ऊपर पहुंच चुकी है कि जो काम हम पहले कर चुके होते हैं दूसरे लोग बाद में। अरे इंडिया तो बाद में चांद पर गया है ना, पाकिस्तानियों ने ये कारनामा पहले ही अंजाम दे दिया था। कैसा लगा मेरा मजाक? जब से पाकिस्तान ने इतनी आला तरक्की की है तो हमारे बाबे जो हैं वो भंगड़ा डालने पे मजबूर हो गए। और तो और जब से ये पाकिस्तानी रॉकेट चढ़ा है हमारे बाबे किसी भी चीज पर डांस करते हुए चढ़ जाते हैं। नहीं ये मजाक नहीं है, ये भी पाकिस्तानियों का एक टैलेंट है। और जब हमें पता चला कि वो रॉकेट जो है वो असली नहीं था, असली तो ये था जो इंडिया का चांद पर गया है, तो फिर हमारे पाकिस्तानियों ने कहना शुरू कर दिया चांद पर जाने के। मुझे ये बताएं कि वो चंद्रयान पे जा गए क्या, सोने की कान को तलाश कर लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ये तो सब एक्टिविटीज है और हो सकता है पाकिस्तान भी इन एक्टिविटीज में हिस्सा लेता हो, अक्सर उनपे वर्किंग करते हो, सियासतदान उनपे काम करते हो। मजा आया। चलन जी अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक तो बनता है, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब लाजमी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। वीडियो खत्म हो गई भाई साहब, रोड जो टैलेंट है ना वो सड़कों पे मिल जाता है ना, बहुत ज्यादा। और ऐसे ऐसे टैलेंटेड बंदे पाकिस्तान में रोस्ट, वैसे भाई मजेदार था, कमाल का। बिल्कुल तो टैलेंट भाई कमाल का होता है, जो लोग सड़कों पे मिल जाते हैं, कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। मुझे तो वो अजीब लगा जो वहाँ पर डांस करते हैं घोड़े पे चढ़े एकदम भाई साहब, वो टैलेंट नहीं है जो जो वो खच्चर की रेस लगाते हैं मेन रोड के ऊपर, वो गधों की रेस लगवाते, वो छोटी सी रेड़ी होती है पीछे और वो गधों की रेस लगवाते, वो बहुत हर साल तकरीबन उसका ना मेला लगाया जाता है उस इवेंट के लिए। वो एक एक तो बंदा टैलेंट वाला था ना, वो बड़ा फेमस वो टिकटॉकर दाढ़ी वाला, हां जिसके से बड़ी बार निकली थी, उसको बड़ी बार नाइट लगी है। जवानों की तरह बिल्कुल, उसमें कौन सी जवानी नजर आ रही थी, गलत चीज लगते होता चीज थी। खान साहब को बताएगा कि वो गधा है, वो घोड़ों के लिए में दौड़ता है, मैं इस पे बर्बाद हूँ क्योंकि उन्होंने की नहीं, तू अपनी जुबान से कर रहा है। अच्छा इसका मतलब क्या था, रेस जो होती है गधों की नहीं होती, घोड़ों की होती है, रेस में से कौन होते हैं भाई? मैं इसके ऊपर बहस नहीं करो, बहस नहीं करोगे तो तेरा काम ही है ना, मैं उसको तर्ज कर रहा बस। तू मैच को दूसरों का कर रहे थे, इसका मतलब खान साहब को। अच्छा ये बता दे खान साहब गधा है या घोड़ा है? खान साहब इंसान है। शुक्र है इंसान बोल दिया। अरे कल को तो शेर बोलता था, शेर नाम है, शेर नहीं, शेर का बच्चा। अच्छा शेर नहीं है खान साहब, शेर का बच्चा है। क्या शेरों जैसी मतलब भी वो आवाज इसकी निकलती है, जिस तरह वो होती ना आवाज, बहादुर शेरों की आवाज करना चाहिए, शेरों की आवाज किस तरह की निकलती है
मतलब जो उसकी आवाज होती है बड़ी सख्त आवाज भारी आवाज में साबित करना चाहता है। मेरा गला खराब है भाई, मैं ज्यादा ना इसकी वजह से। खान साहब का भी गला खराब है। खराब नहीं खराब है, नहीं वो खराब है हमारे हिसाब से, क्योंकि मैंने आप दवाई ली है भाई, मेरा गला थोड़ा सा खराब है इसकी वजह से। अच्छा टिकटॉक में एक लड़का वाकई है पाकिस्तान में, उसने लंबे बाल भी रखे हुए, दाढ़ी भी रखी, ऊपर से वो लिपस्टिक भी लगाई थी, मेकअप भी किया था, वो जो एक रुख से कभी लड़की बनता है एक रुख से लड़का। अरे भाई साहब दोनों तरफ से ही ऐसा होता है वो। नहीं नहीं गरीब वो गरीब बंदा वो भाई दिखाने के लिए नहीं, वो कुछ एक है एक आधा है, लेकिन एक लड़का है उसने लंबे बाल रखे होते भाई साहब, दाढ़ी भी रखी हुई है छोटी छोटी दाढ़ी भी। पीछे से उसको देखे तो ऐसे फील होता है कि लड़की है, जैसे रुख बदलता है तो लोग डर जाते हैं, डर जाते हैं लड़का है। और अजीब वो गरीब रखते करते पता नहीं लोगों को शर्म भी नहीं आती भाई। और एक भाई तो पता है टैलेंट वाला बोल रहा था कि दूसरे लोग हमारा इसलिए हेल्प नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि हम तगड़े हैं। तगड़े हैं हमारी कानों में स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है हमारे अंदर जज्बा ज्यादा है। ये जज्बे वाला टैलेंट दूध वाला नहीं, हमने देखा जितना वजन पूरा कर रखता है वो एक दो उठा के में डाल देता है फिर वो कहता है। तो अपनी औकात बता रहा है, असल हकीकत तो यही है भाई साहब, जिस चीज में टैलेंट है ना वो यही है कि दाल लगाना है, फ्रेम लगाना है, हेरा फेरी। और मैं आज तक मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि भुट्टो को मरे को कितने साल हो गए उसको फिर जिंदा, ये आज भी है जी है भुट्टो, बिलावल भुट्टो कहता है जी है भुट्टो, मतलब ये पार्टी को बोलता है जी ये भुट्टो की पार्टी। टोटली इमरान खान को लेकर जो सारे फ्लॉप है भाई साहब, इमरान खान तो पहले से घोड़े नल्ला था, नल्ले का पता है बेकार लागर घड़ी चोर इस तरह के, पेंट चोर जूते चोर, ये ऐसे लोग होते हैं। बाकी साइंसदान की जो मुझे भाई क्या नाम था फवाद चौधरी, वो ऐसे साइंसदान है भाई साहब के वो उनको खुद पे खुद भूल जाते हैं भाई, प्याज की बात हो रही है और ताले फिर गार्लिक गार्लिक कहता है और तू उसकी छोड़ इमरान खान ही बोल देता, वो तो खुद हो जाता आटे को लीटर में दे देता है, इसको किलो बता रहे उसको लीटरों के अंदर बता देते हैं। शहबाज शरीफ भी तो कह देता है की बराबर भुट्टो किस तरह आपने मोर शेर के ऊपर फौरन ही बदल जाता है, मैं तो शेर का शिकारी, मैं शेर का शिकारी हूँ, मैं जनाब वो ना मोर जो है वो अपने बल्ले पे लगानी है। तो कुछ ऐसे सियासतदान हमें मिले, ऊपर वाले ने भाई साहब हमें ना गिफ्ट दिया है कि ऐसे जियालो की वजह से आप जो है ना वो तरक्की करेंगे। जियालो यूथियों पटवारियों इन सभी के भाई साहब मिलाकर बोला कर एक के कहने से भाई साहब एक भाई साहब वो चिढ़ जाते हैं, तो बोलते हैं आप इमरान खान के पीछे लगे हुए, जिस तरह इमरान खान के भक्त वो रॉकेट नहीं बनाकर हवा में चल रहे थे इस तरह भाई साहब आप इमरान खान के पीछे लगे हुए रॉकेट के गौर से देखा उसकी शक्ल किस तरह थी जिन्होंने वो बुलाया इमरान खान को, इमरान खान का तो रॉकेट नहीं उड़ा दिया पता है। रॉकेट की शक्ल सेम लगती थी कि नहीं, नहीं लगती है कि नहीं, तू बता नहीं 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 कैसी लगती है रॉकेट की तरह, जो रॉकेट बनते हैं उसकी तरह रॉकेट किस तरह का होता है, नहीं नहीं जो पीटीआई वाले रॉकेट उड़ा देते हैं यार, वो तो पार्टी के पंजे बना के उन्होंने छोड़ा था, वो थोड़ी रॉकेट था वो उड़ा, वो क्या फर्क उसकी शक्ल किसकी तरह, वो जो रॉकेट उड़ाया है हम फिजा में जा रहे हैं, पीटीआई वालों ने उड़ाया भाई, वो तो भाई पार्टी का विजन था बस, उन्होंने ये चीज बनाई बना के उन्होंने छोड़ दिया, इसमें क्या है नहीं, वो क्या साबित करना चाहते, चांद वाला रॉकेट अच्छा वो चांद पे जाने वाला था या वो फिर वो तो बस भाई साहब था उसका कपड़ा उसका ऐसी था, मतलब उसको जो सूरज की तपश है ना वो भी खत्म या जला नहीं सकती थी, इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से स्वाच उतने बेहतर बस स्पेशल अपने हाथों से बनाया है। अच्छा नबी का बच्चा है सारे काम कर ले, सारे साइंस टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर नहीं था
उसने ऐसी टेक्नोलॉजी रखी इसको सूरज भी नहीं जला सकता था और इसका ईंधन भी ऐसा भरा गया जो सारी जिंदगी खत्म हो गया, आज भी खला में उड़ रहा है और 20-30 साल तक पहुंच ही जाएगा सूरज पे। उतनी देर तक इमरान खान भी जेल से बाहर आ जाएगा, दुनिया से बाहर नहीं आएगा, उसके स्वागत के लिए वापस आएगा इमरान खान के। अच्छा, मैं तो कहता रॉकेट के साथ खान को भी बांध देते फिर स्पेस में जाता उधर ही जाके हुकूमत करता। तो भाई साहब टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, वैसे मजाक कर रहे थे, टैलेंट बहुत है लेकिन जो अपॉर्चुनिटियां नहीं मिलती, बस वो टिकटॉक वाला का भला हो के वो कितनी आवाम को ना वो घेर के रखा है। कई लोग जो बेरोजगार है भाई, चलो टिकटॉक देख के उनका गुजारा चल जाता है, दिन रात वो गुजर जाता है, वरना भाई साहब सारी आवाम जेब बताओ के सारी आवाम वेली है, कुछ टिकटॉक पर रील बना रही है, कुछ देख रही है, बस इसी में दिहाड़ी गुजर जाती है। वो कहता है, मैं अमिताभ बच्चन का बड़ा डायलॉग था, वो कहते है सारे दिन घोड़े के साथ जूते रहते हो, कहता है घोड़े को दाना मिल जाता है, अपने को खाना मिल जाता है, ऊपर वाला भूखा जगाता जरूरत सलाता नहीं है। तो भाई साहब हमको दो वक्त का खाना मिल जाता है, हमारी इससे बड़ी ख्वाहिश है ही नहीं, इंडिया चांद पे जाता है तो 100 बार जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने कौन सा जाना है, हमें तो फर्क तब पड़ता है कि हमने भी जाना हो, हमें टेंशन हो कि इंडिया हमसे जल्दी चला गया, हम बाद में क्यों जा रहे हैं। बिल्कुल, रॉकेट तो हमने पहले छोड़ा था, अभी तक वो पहुंचा नहीं, जिस तरह रूस ने बोला था हम इंडिया से पहले जाएंगे, उनका फ्लॉप हो गया, हमारा अभी तक ना कन्फर्म नहीं फ्लॉप हुआ, ये अभी तक जा रहा है। तो ठीक है भाई, अपने रूप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मिलते नहीं, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।